दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि ध्यान क्या है और ध्यान करने से हमारे जीवन में क्या चमत्कार हो सकते हैं। ध्यान एक निर्विचार चेतन अवस्था है जो नींद या समाधि नहीं है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने वश में हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में व्यक्ति का मन गायब हो जाता है, जिससे वह अपने दिमाग का उपयोग किसी का विश्लेषण करने, किसी के बारे में सोचने या बात करने के लिए नहीं करता है। कोई भी इस अवस्था में उसके मन में कोई सांसारिक विचार नहीं होता, बल्कि वह पूरी तरह सचेत होता है। ध्यान योग के 8 अंगों कौन कौन से हैं? ध्यान योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में से सातवां है, जो समाधि से पहले की अवस्था है। आदिशंकराचार्य के अनुसार ध्यान कुछ भी नहीं सोचना है। सच्चे अर्थों में ध्यान गहरी शांति की एक ऐसी अनुभूति है जो भीतर से मन के शांत होने पर होती है। सच्चा ध्यान वह है जिसमें अपरिवर्तनीय अतीत और अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान के हर पल को पूरी ऊर्जा और ऊर्जा के साथ जिया जाता है। उत्साह। सीधे शब्दों में कहें तो ध्यान वर्तमान के प्रत्येक क्षण के साथ पूरी जागरूकता के साथ एक हो जाना है। ध्यान करने के 10 चमत्कारी फायदे। अब हम नियमित ध्यान करने के उन 10 फायदों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ध्यान करने का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि हम अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो हमारा मन हमेशा हमारी तुलना किसी न किसी से करता रहता है, या हमारे अतीत के बारे में सोचता रहता है, या भविष्य के लिए योजनाएं बनाता रहता है। अर्थात हमारा अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, वह अपनी मर्जी से इधर उधर भटकता रहता है, जबकि मन हमारे लिए एक उपकरण की तरह है और हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और हमारा इस समस्या का समाधान ध्यान है। प्रतिदिन ध्यान करने से मन और विचारों पर हमारा नियंत्रण बढ़ता है। तब मन हमें नहीं चलाता, हम मन को चलाते हैं। दूसरा है, ध्यान हमारी नींद का कोटा कम करता है। जब हम सोते हैं तो शरीर की सभी मांसपेशियां, जो दिन में टूट जाती हैं, खुद को रिपेयर करती हैं और अगले दिन के काम के लिए शरीर या दिमाग खुद को ऊर्जा से भर लेता है। हमारे अंदर की ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा हमारा मस्तिष्क उपयोग करता है और हमारा मस्तिष्क इस ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ के विचार, चिंता, क्रोध आदि में बर्बाद कर देता है। लेकिन ध्यान करने से हमारा मन शांत रहता है, जिससे हम ज्यादा सोचने, चिंता करने, गुस्सा करने जैसी आदतों से छुटकारा मिलता है और हमारी शहरी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद होने से बच जाता है। साथ ही ध्यान करने से हमारा पूरा शरीर तनाव मुक्त रहता है, जिससे शरीर के अंदर कोशिकाओं और मांसपेशियों का विनाश भी कम होता है। तो जब हम सोते हैं, दिमाग को कम ऊर्जा की जरूरत होती है और शरीर को कम मरम्मत की जरूरत होती है, जिससे हमारे सोने का समय कम हो जाता है। तीसरा, ध्यान हमें दीर्घायु बनाता है। अब कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाण है कि जो लोग लंबे समय तक ध्यान करते हैं, उनकी आयु में वृद्धि देखी गई है। यह हमारे भारतीय योग शास्त्रों में पहले ही कहा जा चुका है, लेकिन विज्ञान ने अब इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हम इंसानों को जीने के लिए साल नहीं, बल्कि सांसों की संख्या मिलती है। यदि हम अपनी सांसों को किसी तरह से गहरा और धीमा करें तो हम लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, और ध्यान ही एकमात्र तरीका है जिससे सांसों को लंबा और गहरा बनाया जा सकता है। यही कारण है कि वर्षों तक ध्यान करने वाले योगी और ऋषि बहुत लंबा जीवन जिए। ओकिनावा जापान का एक द्वीप है, यहाँ के लोग दुनिया की सबसे लंबी उम्र जीते हैं, वो भी खुशी से, और ज्यादातर लोग बिना किसी बीमारी के। जब कुछ खोजकर्ताओं ने यहाँ के लोगों की लंबी उम्र और सुखी जीवन के पीछे का राज जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि यहाँ के लोग बहुत सादा जीवन जीते हैं।
और वे अनजाने में उन सभी आदतों का पालन कर रहे थे जो ध्यान हमें सिखाता है, जैसे प्रकृति से जुड़े रहना, काम करना, खाना, वर्तमान में रहना, चिंता न करना, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना आदि, जो पहले ही बताया जा चुका है। हमारी योगिक संस्कृति में खोजकर्ता ओकिनावा के लोगों से इतने प्रभावित हुए कि वहाँ के लोगों के सुखी और लंबे जीवन का रहस्य बताने के लिए उन्होंने इकिगई नामक एक पूरी किताब लिखी। लाखों लोगों ने इस किताब को पढ़ा और इसे लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया है। मुझे लगता है कि आप सभी को एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। चौथा, ध्यान हमारे जीवन से चिंता और तनाव को कम करता है। पहले वो चिंता करना क्या है, किसी भी चीज के बारे में बार बार सोचना। जब हम किसी चीज, काम या व्यक्ति के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और उसे बोझ समझने लगते हैं, तो तनाव पैदा हो जाता है, तो यही तनाव हमारे गुस्से को जन्म देता है। लेकिन ध्यान करने से हमारे मन में उठने वाले विचारों की तीव्रता कम करती है और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हम किसी भी समस्या के बारे में कम सोचते हैं और उसके समाधान के प्रति अधिक केंद्रित हो जाते हैं। और इस तरह ध्यान हमारे जीवन से चिंता और तनाव को कम करता है। पांचवा, ध्यान बढ़ाता है हमारा शारीरिक आकर्षण। ध्यान करने से हमारे चेहरे की चमक बढ़ती है, आंखों में आसानी से आकर्षण आता है, भारीपन, ठहराव और आवाज में मिठास आती है, जिसके कारण लोग हमें सुनना पसंद करते हैं। ध्यान करने से हमारा शरीर दिन भर शिथिल रहता है, जिससे हमारे चलने, बैठने, बात करने के तरीके में संतुलन आ जाता है, जिससे हमारा व्यक्तित्व एक चुंबकीय व्यक्तित्व बन जाता है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। लोग इसे पसंद करते हैं, हमारे साथ रहें, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान करने से हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारिक परिवर्तन होता है। यदि आप कई वर्षों तक ध्यान करते रहें, तो यह आपको लोगों की दृष्टि में एक रहस्यमय व्यक्ति बना देता है। छठा, ध्यान हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। ध्यान का मूल सिद्धांत वर्तमान में जीने पर टिका है। ध्यान हमें अतीत और भविष्य से निकालकर वर्तमान में लाता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम वर्तमान में नहीं जी पा रहे हैं। हम या तो कल के बारे में सोचते हैं या आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। अगर हम केवल वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो हमारी 95% समस्याएं हल हो जाएंगी खुद ब खुद, क्योंकि तब हम जागरूक हो जाते हैं, चीजों और समस्याओं को वैसे ही देखते हैं जैसे वे वास्तव में हैं। हम उन्हें बढ़ा चढ़ाकर या कम करके नहीं आंकते हैं, वे जैसे हैं वैसे ही हैं। और यही सही तरीका है। समस्याओं को हल करने का सबसे पहले यह समझें कि क्या है संकट, और समस्याओं को इस तरह देखने की ऐसी दृष्टि केवल ध्यान से ही आ सकती है, क्योंकि ध्यान हमें वर्तमान को देखना सिखाता है। सातवां, ध्यान हम में करुणा और प्रेम पैदा करता है। हम लोगों को क्षमा करना सीखते हैं। सबसे पहले यह समझें कि क्षमा करने से सबसे अधिक लाभ हमें स्वयं होता है, क्योंकि ये हमारे अंदर के नफरत, क्रोध और ईर्ष्या को कम करता है। इसलिए लोगों को उनके लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए माफ कर दो, क्योंकि क्षमा करने से हम अधिक सुखी और अधिक शांतिपूर्ण बनते हैं। ध्यान करने से हमारी सकारात्मक भावना मजबूत होती है। हम लोगों की कमियों को देखने के बजाय उनकी खूबियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। साथ ही ध्यान हमें भीतर से करुणामय बनाता है, क्योंकि ध्यान हमें ऐसी दृष्टि देता है कि हम दूसरों की पीड़ा, दर्द और भावनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। आठवां, ध्यान हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। हमारे कम आत्मविश्वास का सबसे बड़ा कारण दूसरों से अपनी तुलना करना है, या अतीत में अगर किसी ने हमें कमजोर महसूस कराया हो, तो इस बात को अपने दिल में बसा लें, या अपनी पिछली हार को बार बार याद करना और यह महसूस करना कि भविष्य में मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। ये कुछ ऐसे मानसिक कारण हैं जो हमारे आत्मविश्वास को तोड़ देते हैं।
लेकिन ध्यान हमारे पुराने नकारात्मक विचारों को हमारे दिमाग से साफ कर देता है और नए सकारात्मक विचारों को स्थान देता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कई प्रयोगों में यह साबित हो चुका है कि निरंतर ध्यान से हम अपने मस्तिष्क को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। साथ ही ध्यान करने से हमारे मन और शरीर को जो लाभ मिलते हैं, वह हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाते हैं। 9वां, ध्यान चीजों को याद रखने की हमारी क्षमता को बढ़ाता है। एक बार वैज्ञानिकों की एक टीम ने 100 लोगों के एक समूह को 50/50 के दो समूहों में विभाजित किया, जिसमें पहले 50 लोगों को अगले 45 दिनों तक रोजाना 20 मिनट ध्यान का अभ्यास कराया गया और दूसरे समूह के लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया गया। उन्हें वह करने की अनुमति दी गई जो वे करते थे। 45 दिनों के बाद जब शोध पूरा हुआ तो यह पाया गया कि पहले समूह के लोग जो करते थे रोजाना 20 मिनट ध्यान करें, उनके दिमाग का वह हिस्सा जो चीजों को याद रखता है, उसके आकार में थोड़ा बदलाव आया था। उसका आकार पहले की तुलना में थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन दूसरे समूह के लोगों के दिमाग में कोई बदलाव नहीं आया। इसके साथ शोधकर्ताओं की टीम यह साबित करने में सक्षम थी कि जो लोग ध्यान करते हैं, वे उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक याद रख सकते हैं जो ध्यान नहीं करते हैं। यह आज के वैज्ञानिकों का एक छोटा सा प्रयोग मात्र है। ध्यान से याददाश्त बढ़ती है, इसका प्रमाण आदि शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे योगी पहले ही दे चुके हैं, जो एक बार पढ़ी हुई बातों को हमेशा के लिए याद कर लेते थे। 10वां, ध्यान हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है। यदि हम किसी भी काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण हमारे दिमाग में लगातार उठने वाले विचार हैं। हमारा दिमाग कुछ सेकंड के लिए भी निर्विचार नहीं रह सकता है, क्योंकि निरंतर विचार उत्पन्न करना इसका काम है। लेकिन ध्यान हमारे मन में उठने वाले विचारों की आवृत्ति को नियंत्रित करता है, जिससे हमारा मन आसानी से एकाग्र होने लगता है और हम अपना काम अधिक केंद्रित तरीके से करने में सक्षम हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। ओम बुद्धाय।